इंडिया और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट जो खेला जा रहा है उसमें पहले बॉलर्स की बात बहुत हुई, फिर बैट्समैन की बात हुई। बॉलर्स को अगर आप देखोगे, अश्विन की बात हुई, जडेजा थे, अक्षर पटेल थे, यहां तक कि बुमराह भी लास्ट में कमाल करते हुए चले गए। और इधर आप देखोगे तो यशस्वी ने बहुत सारी सुर्खियां बटोरी, फिर जडेजा बल्ले से कमाल करते हुए दिखे। केएल राहुल एक नाम है जो बात जरूर हो रही है लेकिन जितनी होनी चाहिए शायद उतनी नहीं हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना केएल राहुल के बारे में थोड़ा सा आपको पास्ट में लेकर चलूं और थोड़ा सा आज के मैच के बारे में बात करूं। और आप खुद देखोगे कि किस तरह से केएल राहुल 2.0 निकल करके आया है, क्योंकि केएल राहुल याद कीजिए आईपीएल का वो मैच, बॉल के पीछे भाग रहे थे, बाउंड्री लाइन पर इंजर्ड होते हैं, उनकी जो क्वाड होती है वहां पर इंजरी आती है, थाई वाले एरिया में, क्वाड्रिसेप्स जिसको कहते हैं, उस मसल में इंजरी आती है। और उसके बाद ऐसा लगता है कि बस अब केएल राहुल का डाउनफॉल शुरू, क्योंकि केएल राहुल उस टाइम पर बहुत अच्छी फॉर्म में भी नहीं थे, बहुत ज्यादा ट्रोल भी किए जा रहे थे अपनी परफॉर्मेंस को लेकर के। वहां के बाद केएल राहुल एक लंबा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जब वापस आते हैं तो कमाल लाजवाब राहुल बन के आते हैं, वही जो केएल राहुल का फुल फॉर्म बता दिया गया है, कमाल लाजवाब राहुल वही बनकर आते हैं। आप याद कीजिए केएल राहुल की परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में बिल्कुल बहुत अच्छी थी, हमारे बैट्समैन की वैसे भी साफ सब की खैर बहुत अच्छी थी लेकिन केएल राहुल की बहुत अच्छी थी। गिल की एक्सपेक्टेड से थोड़ी सी लो थी लेकिन उसके बाद साउथ अफ्रीका सीरीज आती है जहां पर सारे के सारे बल्लेबाज एकदम ऐसा लगता है कि यार वो खेल ही नहीं पा रहे थे, सब हथियार डाल देते हैं, वहां पर केएल राहुल सेंचुरी लगाते हैं तो लगता है कि हाँ केएल राहुल की जरूरत हमें थी, केएल राहुल वापस आए उस डिफिकल्ट पिच पर, केएल राहुल ने बताया था कि कैसे बल्लेबाजी करते हैं। और फिर उसके बाद आज का मैच केएल राहुल एक एक करके वापसी कर रहे हैं लेकिन इन सब वापसी के बाद केएल राहुल T20 टीम में नहीं है हमारे साथ। केएल राहुल इससे पहले भी जब T20 टीम, अभी T20 मैचेस हुए उसमें केएल राहुल नहीं थे, पिछले साल जब हमने वर्ल्ड कप खेला था तब से अब तक T20 वर्ल्ड कप से अब तक एक भी T20 मैच नहीं खेला राहुल ने, कोहली ने कमबैक कर लिया, रोहित ने कमबैक कर लिया बट राहुल नहीं कर रहे हैं कमबैक। आप देखिए 50th टेस्ट में उन्होंने 50 लगाई, सेंचुरी से बच गए, एक वेल डिजर्व सेंचुरी से बच गए बहुत क्लोज जाकर के, बट दिखा दिया कि उनका होना कितना जरूरी। अब इस पर सवाल ये आ जाता है कि जी केएल राहुल जो है वो चौथे नंबर पर खेल रहे थे, क्या विराट कोहली के वापस आने के बाद केएल राहुल बैठ जाएंगे? आप किसको बिठाओगे, या फिर आप श्रेयस अय्यर को बिठा दोगे, या एक नाम जिसको बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है शुभमन गिल जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं लगातार, क्या एक बार टीम उनको बिठाने का सोचेगी? अगर उनको बिठाने का टीम सोचती है तो फिर केएल राहुल को एक ऊपर आना पड़ेगा बिकॉज विराट कोहली अपनी पोजिशन नहीं छोड़ेंगे, तो विराट कोहली चौथे नंबर पर आएंगे और केएल राहुल को फिर ऊपर आना पड़ेगा। लेकिन ये पॉसिबल सा नहीं दिखता, क्या आपको लगता है कि शुभमन गिल को ड्रॉप किया जा सकता है? केएल राहुल को एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, तीनों फॉर्मेट में 50 मैचेस वो खेल चुके हैं, और ऐसा सबके बस की बात नहीं है, ऐसा करने वाले वो सिर्फ 6th इंडियन प्लेयर हैं, जैसे MS धोनी ने ये काम किया है, अश्विन ने ये काम किया है, आपको रोहित हो गए, फिर राहुल हो गए, आपको रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए और ऑब्वियसली राहुल, तो ये 6 वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 ODI और टेस्ट तीनों में 50-50 मैच मिनिमम खेले, मैक्सिमम खेले ही खेले हैं। अब ये एक्सपीरियंस ही निकल करके आ रहा है, जो साउथ अफ्रीका में भी सेंचुरी लगाई थी, जिसने इंग्लैंड के सामने खड़े होकर के 84-86 जरूर है, सेंचुरी नहीं आई, 14 रन से चूक गए, लेकिन केएल राहुल ने अपना क्लास दिखा दिया और ये क्लास हमने पहले भी देखा है। अब यहां से सवाल आता है क्या इस क्लास को वो IPL में कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि हमारे पास फिलहाल विकेट कीपर बैट्समैन की जरूरत है T20 वर्ल्ड कप में, और विकेट कीपर बैट्समैन ही वो है जो अभी इंडिया के लिए फिक्स नहीं है, ना ईशान किशन फिक्स हैं, जब से ईशान किशन वापस गए हैं तब से उनका कोई अता पता नहीं है, वो टीम में वापस आएंगे भी या नहीं नो गारंटी। उसके बाद जितेश शर्मा है, बहुत नए हैं, क्या उनको टीम कंसिडर करेगी एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, यू नेवर नो। केएल राहुल हैं, उन्होंने पिछले वर्ल्ड कप से अब तक, पिछले T20 वर्ल्ड कप से अब तक कोई T20 नहीं खेला है, क्या केएल राहुल विकेट कीपर बैट्समैन बनेंगे, या फिर एक संजू सैमसन एक नाम है, क्या वो विकेट कीपर बैट्समैन रहेंगे T20 वर्ल्ड कप में? तो T20 वर्ल्ड कप में अभी इंडिया के पास विकेट कीपर बैट्समैन का जो स्लॉट है वो बिल्कुल खाली है, तो सवाल ये हो जाता है कि जो केएल राहुल लगातार परफॉर्म करते आ रहे हैं क्या वो T20 वर्ल्ड कप में बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? आपको क्या लगता है, क्या केएल राहुल T20 वर्ल्ड कप में बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज दिखेंगे, क्या इस IPL में वो कुछ कमाल कर पाएंगे जिससे टीम उनको सिलेक्ट कर ले, या फिर इनके अलावा कोई और सा नाम ऐसा है जो आपको लगता है कि T20 वर्ल्ड कप में बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज दिख सकता है, और आज की उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही उसको भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताते जाएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।